हाय फ्रेंड्स, मनी मेकर में आपका भरे दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले जिंदल स्टील शेयर और इसके लेटेस्ट टारगेट के बारे में। रिवोल्यूशनरी स्टॉक है दोस्तों, क्योंकि इसका न्यूज़ ही कुछ ऐसे निकल गया है। जैसा आप देख सकते हो कि 10% के आसपास इसका सर्किट लगा हुआ है और अप मूव है और 726 पे ट्रेड कर रहा है। तो 10% के आसपास इसका मूव है, किस लिए? क्योंकि 1000 टन्स ऑफ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन पर डे फ्रॉम फ्राइडे, मतलब कल से 30 अप्रैल 2021 से सप्लाई करने वाला है। इसका जो विजयनगर जो प्लांट है दोस्तों, वहाँ से 11,500 टन सप्लाई होने वाला है आपका मई के टाइम से। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा डिमांड है। और चाइना में, किस लिए मैं बोल रहा हूँ कि होल्ड करने के लिए, क्योंकि चाइना में आपका अनाउंस कर दिया है कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी है, वो इम्पोर्ट टैक्स है, वो उठा देगा। इम्पोर्ट ड्यूटी और टैक्स उठा देगा कुछ कुछ सैंपल और कुछ कुछ स्टील के इंपोर्ट पे, सामान के इंपोर्ट पे। तो इंपोर्ट ड्यूटी ऑफ वेरियस सेंटिमेंट क्रूड ऑयल, तो देख सकते हो कि मई में, किस लिए मैं बोल रहा हूँ मई के पूरा महीना होल्ड करने के लिए, क्योंकि देखो मई में हाइक होगा 2000 से 3000 टन। तो इसका जो प्राइस है उससे भी ज़्यादा, 2000 से 3000 पर टन आपका हाइक होगा प्राइस मई में। तो आप सोच सकते हो कि मई जून के महीना ये स्टील और मेटल सेक्टर में बुलिश रहेगा और आने वाले टाइम के लिए ये एक अच्छा खासा रिटर्न आपको जनरेट करके दे सकते हैं। जैसे मैं बोला था कि विजयनगर वर्क्स प्लांट, तो आपको बोला ही हूँ कि 11,500 टन्स देने वाला है। तो एलएमओ बाई अप्रैल है 11,500 टन विजयनगर जो मैं बोल रहा था। तो कोविड-19 पेशेंट के लिए और ये दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये तीनों प्लांट से इसका आने वाला है। एंट्री पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, क्योंकि ये आपका 50 डेज मूविंग एवरेज से बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया है। तो उस हिसाब से एंट्री पॉइंट इसके लिए दिखा रहा है टिकट टॉप में, लेकिन 50 फिर भी पी और सेक्टर पी का दोनों सेम है। तो आप थोड़ा सा ध्यान देके, थोड़ा सा कोशिश होकर लगा सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए लगाओ दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड मत करो। शॉर्ट टर्म के लिए आप लगा सकते हो। 55% जो एक्सपर्ट है वो बुलिश है और करंट मार्केट प्राइस में भी बाई का आपका सिग्नल दे रहा है। और देख सकते हो कि जैसे कि 2020 में लॉकडाउन, ड्यू टू लॉकडाउन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों में क्या था कि माल सप्लाई नहीं हो पा रहा था स्टील, और अभी देखो सप्लाई बढ़ गया। और 2021 में ये चार्ट चेंज होता हुआ रहेगा और लो प्रमोटर प्लेस्ड है, ये बहुत अच्छी बात है इन्वेस्टर और जो इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं दोनों के लिए। और बेस्ट है कि ऑक्सीजन सप्लाई जो अभी सबसे ज़्यादा देश में डिमांड है, जो बाहर से मंगवा रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई होने के बाद भी ऑक्सीजन का कनेक्टर नहीं मिल रहा है, तो जापान से मंगवा रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन। तो वो ऑक्सीजन जो सिलेंडर और लिक्विड आपका लिक्विफाइड जो मेडिकल ऑक्सीजन है, ये सब सप्लाई कर रहे हैं, टन के टन सप्लाई कर रहे हैं। और वो सब कुछ कल से शुरू होगा। सिर्फ जिंदल स्टील नहीं कर रहा है, टाटा स्टील भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहा है और जिंदल स्टील भी कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट खुद इसमें इन्वॉल्व है और गवर्नमेंट खुद बोल रहा है कि आपका इन लोगों को के प्रोड्यूसिंग करने के लिए और ऑक्सीजन प्लांट को देने के लिए। ये आज ही का न्यूज़ है, देख सकते हो दोस्तों। ये सबसे बड़ी एक पाइपलाइन बे और पीक डेप्थ बिहाइंड। तो अब देख सकते हो कि कैसे एक्सलेट लेगा। 10% तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा निफ्टी इसके साथ दे दे, थोड़ा ग्रीन में निफ्टी ओपन हो जाए बस, देखना हर रोज़ 10% करके आपको अपर सर्किट और सर्किट में जाता हुआ रहेगा 10% का, क्योंकि इसका रिजल्ट और कुछ न्यूज़ ही ऐसा निकल गया है। और सारे एक्सपर्ट जैसे कि स्टैनली और मॉर्गन, ये आपको पता ही है कि बुलिश है मेटल स्टॉक टाटा स्टील और जिंदल स्टील को लेके। और फ्रॉम फ्राइडे देखो, जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है वो फ्राइडे से 1000 टन पर डे, वो भी कम हो जाएगा, मतलब ये आपको सप्लाई करना है जिंदल स्टील को। तो ये सबसे बड़ी बात है, कोविड-19 वैक्सीन फ्री को लिया, तो ये सबसे बड़ी चीज़ निकल के आपके सामने आ रहा है न्यूज़। और चाइना भी अनाउंस कर दिया है कि 146 स्टील प्रोडक्शन फ्रॉम वन में से लिफ्ट कर लेगा मेटल स्टॉक में से, वैट जो रिबेट है वो उठा लेगा स्टील के प्रोडक्ट से। स्टील के कुछ प्रोडक्ट है जिसमें से वो वैट उठा लेगा चाइना, मतलब इम्पोर्ट ड्यूटी तो 15% कम किया ही है। तो ये सबसे बेस्ट टाइम है आपको ऐसे स्टॉक में, अगर अभी बाई नहीं करोगे, अभी अपॉर्चुनिटी आया है, बहुत साल बाद आता है ऐसा अपॉर्चुनिटी जो चाइना इंपोर्ट कर रहा है, प्लस देश में भी ऐसा हालत है कि आपका सब जगह पे ऑक्सीजन डिमांड है और वो ऑक्सीजन आप ही का स्टील सेक्टर सप्लाई कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि आप देख सकते हो कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु से ये प्लांट से आएगा,
तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। ऐसे वीडियो लाने के लिए आप ही का चैनल मनी मेकर को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ इसको सप्लाई करो और फ्रेंड के साथ इसको शेयर करो। जैसे दीपन मेहता सर देखिए, जो एक्सपर्ट, वो TVS मोटर ऑटो और जिंदल स्टील और टाटा स्टील को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है। देखो रैली दिखा रहा है कि इंडिया स्टेक होल्डर गेनिंग इन चाइना सिग्नल्स मोर इम्पोर्ट टाटा स्टील जिंदल स्टील शेयर्स। ठीक है, तो चाइना का और भी इम्पोर्ट होगा तो वो एक क्लियर हो गया मैसेज। तो आप इसको बने रहिए मई जून तक और अपना प्रॉफिट कमाइए।